हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल चैनल आप जमेंट से, से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इश्यूज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं तो चलिए देखते हैं आज के जिज्ञासा सेशन में किन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन

यूज ऑफ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल सो हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन का जो फ्यूल है इससे जुड़ी हुई थ्री स्टेटमेंट हम यहां पर गिवन है और हमको करेक्ट स्टेटमेंट को यहां पर आइडेंटिफाई करना है स्टेटमेंट वन ब्लू हाइड्रोजन इज प्रोड्यूसड बाई इलेक्ट्रोलाइजिंग वॉटर विथ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी देखिए हाइड्रोजन की जो मैन्युफैक्चरिंग है हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन है उसके बेसिस के ऊपर हम हाइड्रोजन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं लाइक ब्लू हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन टर्कॉइज हाइड्रोजन सो दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल डिपेंडिंग अपॉन कि किस uh, तरीके से किस सोर्स से हमने हाइड्रोजन के फ्यूल को प्रोड्यूस किया है तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि ब्लू हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन गैस होगा वो हाइड्रोजन फ्यूल होगा जो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक किया गया है यूजिंग दी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी विच इज जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस यहाँ हम सोलर एनर्जी विंड एनर्जी की बात कर सकते हैं या हाइड्रल एनर्जी की बात कर सकते हैं ठीक है तो उसको हम ग्रीन ब्लू हाइड्रोजन कह रहे हैं ये हमारी स्टेटमेंट वन है सेकंड स्टेटमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन कैप्चर्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस डूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेटमेंट थर्ड ग्रे हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस और कोल बाय स्टीम रिफॉर्मिंग अगर मैं करेक्ट आंसर की पे बात करूँ तो ग्रीन हाइड्रोजन की जो करेक्ट डेफिनेशन है वो स्टेटमेंट वन में है ठीक है और ब्लू हाइड्रोजन की जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट टू में है तो अगर हम स्टेटमेंट वन एंड टू को इंटरचेंज कर दें ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के डेफिनेशन को इंटरचेंज कर दें तो हमारी पहली दो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है लेकिन अभी जो है फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज वेल एज द सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग ब्लू हाइड्रोजन वो से uh, uh, होगा जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जितना कार्बन एमिशन हुआ है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं तो वो हमारी ब्लू हाइड्रोजन बनती है और ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके बनाया जाता है एंड एनर्जी जो यूज की गई है वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने में दैट इज आवर रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का बनने जा रहा है ऑप्शन थ्री थर्ड स्टेटमेंट इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट क्यों बात कर रहे हैं हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की क्योंकि रिसेंटली आरके सिंह जी जो हमारे मिनिस्टर फॉर पावर एंड ऑल्सो फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं उन्होंने कहा है दैट ग्रीन हाइड्रोजन के परचेस को मैंडेटरी बना दिया जाएगा फॉर सर्टन सेक्टर्स जस्ट लाइक रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन यानी कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट मैंडेटरी कर देगा कि कुछ परसेंटेज उनका जो एनर्जी कंजम्पन है एनर्जी जनरेशन है वो ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू होना चाहिए राइट तो यहां से ही हम ग्रीन हाइड्रोजन के फ्यूल की बात करेंगे हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे अबंडेंट एलिमेंट है सबसे ज्यादा जो एटम्स यूनिवर्स में पाए जाएंगे वो आपको हाइड्रोजन के एटम्स मिलेंगे इसीलिए ये जो हाइड्रोजन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल की तरह पूरे वर्ल्ड में काम आ सकता है

है, तो यानि कि जो सोलर विंड या फिर हाइड्रल एनर्जी को यूज किया गया है इसमें हम हमारी जो बायोमास से एनर्जी जनरेट हो सकती है किसी भी सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे वाटर को ये हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है क्योंकि इसमें हमारे बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर यूजिंग ऑल्सो इज बिंग मेड फ्रॉम क्लीन सोर्सेस ठीक है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन हो गया फिर ग्रे हाइड्रोजन क्या है ग्रे हाइड्रोजन में वी आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग हाइड्रोजन ठीक है तो यहां पर हम नेचुरल गैस का यूज कर रहे हैं और कोल का यूज कर रहे हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ स्टीम मेथेन रिफॉर्मिंग इस प्रोसेस के अंदर हम किसी फॉसिल फ्यूल पे जैसे नेचुरल गैस है या कोल है उसके ऊपर से हाई प्रेशर स्टीम को पास करवाते हैं एंड द हाइड्रोकार्बन इट रिएक्ट्स विद वॉटर और उसमें क्या होता है उससे रिलीज होता है हमारा हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोक्साइड गैस जिसको हम क्यूमेटिवली बोलते हैं सिन गैस राइट सो दिस सिन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्शन ऑफ हाई प्रेशर स्टीम ओवर दी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स और इसमें हम ज्यादातर हाइड्रो नेचुरल ना, गैस का जो कि मैथेन और दूसरे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है उसको यूज करते हैं और ये ही मोस्ट कॉमन मेथड है फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन इन द वर्ल्ड नाइन्टी ऑफ हाइड्रोजन जो आजकल प्रोड्यूस होती है पूरे वर्ल्ड में वो इसी प्रोसेस से होती है ग्रे हाइड्रोजन का टाइप की होती है ठीक है तो ये जो ग्रे हाइड्रोजन है ये उतना क्लीन नहीं है क्योंकि यहां पर हम नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स को ही हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उसे बाय प्रोडक्ट क्या निकल कर आता है कार्बन पड़ेगी दैट इज इट इज ग्रे हाइड्रोजन अब ग्रे हाइड्रोजन में स्टोर कर दिया जाए एंड एटमोसफेयर में रिलीज ना होने दिया जाए तो वो ग्रे हाइड्रोजन बन जाता है ब्लू हाइड्रोजन सो ब्लू हाइड्रोजन इट रिजल्ट्स फ्रॉम द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस ग्रे हाइड्रोजन बट यहां पर इतना फर्क क्या किया गया है कि जो कार्बन के

इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं एंड वी गेट सॉलिड प्योर कार्बन एज अ बाइ प्रोडक्ट नाउ ऑल ऑफ अस रिमेंबर दैट कार्बन इन इट्स सॉलिड फॉर्म कार्बन इन इट्स सॉलिड फॉर्म जब भी प्योर कार्बन होगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा या फिर वो ग्रेफाइट है या फिर वो डायमंड है या फिर वो ब्लैक एमॉर्फस कार्बन है कार्बन विल बी इन सॉलिड फॉर्म इफ इट इज प्योर जो दिक्कत होती है हमें पॉल्यूशन की वो होती है कार्बन के गैशियस कंपाउंड से या फिर वो सी हो या फिर वो कार्बन मोनॉक्साइड हो या फिर वो कार्बन के हाइड्रोकार्बन हों दीज आर डिफरेंट कंपाउंड विच एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट ठीक है तो अगर हमें सिर्फ प्योर कार्बन का मिशन मिल रहा है बाय प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसको तो कैप्चर करना स्टोर करना बहुत ईजी है इसको एटमोस्फेयर में जाने से रोकना भी बहुत ईजी है सो दिस इज देर नोन नोनेस टर्कोस कार्बन दिस प्योर कार्बन जो हमें मिशन के तौर पर मिलेगा इसको हम इंक स्टोनर्स लुब्रिकेंट्स ग्रीस टायर्स के मैनुफेक्चरिंग में यूज कर सकते हैं राइट सो so, ये टेक्नोलॉजी अगर डेवलप हो जाती है तो ये बहुत ज्यादा हमारे हाइड्रोजन प्रोडक्शन में मदद करने वाली है इसके बाद जो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी उन्होंने कहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन जो रिन्यूएबल

ऑब्लिगेशन दे दिया जाएगा कि उनको कुछ परसेंटेज ऑफ उनका जो एनर्जी परचेज है सम सम परसेंटेज प्रोपोर्शन ऑफ देयर इट शुड बी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी कि अगर वो 100 किलो जूल्स की एनर्जी को परचेज कर रहे हैं तो 100 में से कुछ परसेंट 10 या 20 किलो जूल्स उनको रिन्यूएबल एनर्जी का परचेज करना पड़ेगा और ये जो रिक्वायरमेंट uh, uh, है इससे क्या होगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंडिया में प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो ये टारगेट पूरा करने का एक तरीका क्या है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी को खरीदिए परचेज करिए सोलर हो विंड हो

ज टू नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक इंसेंटिव की तरह काम करता है टू रिड्यूस पॉल्यूशन क्लियर हो चुका है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं नॉट दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दि पापी कोंडा नेशनल पार्क सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर इज सी बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट देर एब्सुलटली करेक्ट पापीकोंडा ने पार्क जो है इसके थ्रू आपकी गोदावरी रिवर फ्लो होती है क्ट राइट सो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होने जा रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इससे पहले दो हजार अठारह में हमारा ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के रिजल्ट जो हैं वो आए थे एंड पीरियोडिकली ये पूरे इंडिया की टेरिटरी के अंदर हम टाइगर की पॉपुलेशन को एस्टिमेट करने का टाइगर सेंसस करने का काम करते हैं तो यही जो आपका टू uh, थाउजेंड में इनिशिएटिव स्टार्ट होगा इसकी शुरुआत हो चुकी है पापिकोंडा नेशनल पार्क से जहां पर मोर देन 200 कैमरा ट्रैप्स हैव बीन लेड आउट ताकि हम वहां पर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसको काउंट कर सके तो पापिकोंडा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वहां पर ईस्ट और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर यह पार्क आपका लोकेटेड है गोदावरी रिवर इस पार्क के थ्रू फ्लो होकर जाती है और इसको इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बार्ड एरिया के तौर पर डिक्लेयर किया गया है बाय दी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एंड इट हैज अ वेरी रिच बायोडावर्सिटी जो कि ईस्टर्न घाट्स इंडिया के ईस्टर्न घाट्स की जो, जो बायोडावर्सिटी है वो आपको बैंगाली uh, इसी के साथ आपके हर्बी प्रे पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है पापिकोंडा में चाहे वो स्पॉटेड डियर हो सांबर इंडियन मंडजैक इंडियन स्पॉटेड शेब्रोटेन गौर नीलगा एक्सेट्रा ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ एंटेलॉप एंड हर्बी वर्स एर ऑलसो फाउंड इन दिस पापिकों नेशनल पार्क इट ऑल्सो सपोर्ट्स अ गुड पॉपुलेशन ऑफ प्राइमेट्स लाइक रिसर्स मकाक विच वाज फॉर्म नॉर्मली फाउंड नॉर्थ ऑफ द गोदावरी एंड बोनेट मकाक विच आर यूजुअली फाउंड साउथ ऑफ द गोदावरी तो एक तरीके से साउथ और सेंट्रल इंडिया की जो बायो uh, हेरिटेज है बायोडाइवर्सिटी है उसका मीटिंग पॉइंट आपको पापीकोंडा ने पार्क में देखने को मिलता है राइट सो दिस पापिकोंडा नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडावर्सिटी एरिया इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन बाय दी बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये क्या है ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है बर्ड बायोडाइवर्सिटी को वर्ल्ड में प्रोटेक्ट करने के लिए प्रमोट करने के लिए एनजीओ काम करता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे कुछ एरियाज को रिकॉग्नाइज करता है जहां पर बहुत रिच बर्ड बायोडाइवर्सिटी हमें मिलती है और उन एरियाज को इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया का स्टेटस दिया जाता है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल तो जिन भी प्लेसेस के पास ये स्टेटस है उन प्लेसेस का मतलब यह है कि उनके पास बहुत अच्छी बर्ड बायोडाइवर्सिटी है और बर्ड डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए वहां पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है ठीक है तो कुछ जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज यहाँ पे बर्ड्स की मिल रही है वो भी मैंने पे आपके लिए मेंशन मेंशन कर दी हैं एंड आई आल्सो द क्राइटेरिया व्हिच इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल टू डेजिग्नेट जरूर रीड करेंगे तो आपके आने वाले फिल्म के अंदर इन क्राइटेरिया के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट अप इज द क्वेश्चन नंबर थ्री एंड दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अनदर एंडेंजर्ड स्पीशीज इन आर कंट्री दैट इज पिग्मी हॉक पिग्मी हॉक से जुड़ी थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इट ज एन इंडिकेटर स्पीशीज फॉर द सवाना ग्रासलैंड इको सिस्टम सो ये जो पिग्मी हॉग है एक इंडिकेटर स्पीशीज है वॉट इज एन इंडिकेटर स्पीशीज कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं वर्ल्ड में कुछ इकोसिस्टम्स के अंदर जो उस इकोसिस्टम सिस्टम के क्वालिटी को उस इकोसिस्टम की रेजिलियंस uh, को डिनोट करने का काम करते हैं फॉर एग्जांपल अगर पिग्मी हॉक इंडिकेटर स्पीशीज है ऑफ दी ग्रासलैंड इकोसिस्टम सो इसका मतलब हुआ कि अगर पिग्मी हॉक की अच्छी पॉपुलेशन हमें ग्रासलैंड्स में देखने को मिल रही है देन दैट मींस ग्रासलैंड इको सिस्टम इज थ्राइविंग वहां पर सभी तरीके के फूड चेंज एंड फूड लिंकेजेस बिल्कुल सही काम कर रहे हैं सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स जो उस पर्टिकुलर इको में रहते हैं उनके बीच में बहुत अच्छा बैलेंस बना हुआ है तो सच एन इंडिकेटर स्पीशीज इज यूजली यूज टू डिनोट

इट्स वायबल वाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया इज फाउंड ओनली इन दी मानस बायोस्फीयर रिजर्व मानस बायोस्फे मेंल्ड हेरिटेज साइट है और एकमात्र तो एक ऐसी जगह है जहां पर की आपको मिलती है जो कि वायबल है जो कि सेल्फ सस्टेनिंग है तो यह बात बिल्कुल सही है पिगमी हॉक पॉपुलेशन आज के समय सिर्फ दो जगहों पर uh, मिलने की संभावना पाई जाती है इन दाइल्ड मैं कैप्टिव पिगमी हॉक की बात नहीं कर रहा हूँ उनकी बात नहीं हो रही है जो जूज में या फिर लैबोरेटरीज में या ब्रीडिंग सेंटर

राइट right? सो so, uh, हम क्यों बात कर रहे हैं पिग्मी हॉक की बिकॉज रिसेंटली सम कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉक्स जिनकी ब्रीडिंग कैप्टिव कैप्टिविटी में कराई गई ह्यूमन्स ने उनकी ब्रीडिंग में असिस्ट किया है इन पिग्मी हॉक्स को रिलीज किया गया है मानस वाइल्ड लाइफ uh, uh, मानस नेशनल पार्क के अंदर और इसीलिए हम पिग्मी हॉक की बात कर रहे हैं स्मॉलेस्ट मेंबर है पिग फैमिली का राइट सो फैमिली फैमिली जिसमें आपके वाइल्ड हॉग्स बोर्स एंड पिग्स आते हैं इस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज uh, हैं जो अफ्रीका यूरोप और एशिया में फैली हुई हैं एंड आउट ऑफ दीज स्पीशीज द स्मॉलेस्ट वन इज द पिगमी हॉग कहां मिलता है पिगमी हॉग इट वॉज फाउंड वंस अलॉन्ग द नैरो स्ट्रिप ऑफ टॉल एंड वेट तराई ग्रासलैंड ऑफ द हिमालयन फुटहिल्स एक समय में उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश नेपाल बंगाल सिक्किम भूटान आसाम अरुणाचल प्रदेश पूरे इंडियन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स की जो हिमालयन फुटहिल्स हैं शिवालिक हिल्स की जो फुट हिल्स हैं वहाँ पर आपके तराई ग्रास में देखने को आ, मिलता था लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा हंटिंग हुई बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है तराई ग्रासलैंड इको का क्योंकि ह्यूमन्स ने वहाँ पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया और इसके बाद बाई द नाइनटीन ये लगभग एक्सटिंक्ट हो गया था बट इन सेवेंटी इट वॉज रीडिस्कवर्ड इन विद ए स्मॉल पॉपुलेशन इन दी बोरनादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मानस

इंडिया में स्पेशली उत्तर प्रदेश बिहार नेपाल और आ, आसाम वेस्ट बंगाल की जो फुटहिल्स है नॉर्थ में वहां पर एक्सेसिव एग्रीकल्चर के लिए हमने सारे लैंड को कट कर दिया है वहां पर हम एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर चुके हैं फॉरेस्ट को कट कर चुके हैं जिससे वहां पर जो इकोसिस्टम है बहुत ज्यादा डिसबैलेंस हुआ है अनबैलेंस हुआ है और पॉपुलेशन ऑफ पिकमी हॉक वो डिक्लाइन हुई है ठीक है Uh, इसी के साथ ये जो हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम है तराई रीजन का इट आल्सो सपोर्ट्स वेरियस अदर इंडर्ड स्पीशीज लाइक वन हॉन राइनो टाइगर हॉक डियर ईस्टर्न बारासिंगा वाटर बफलो हिस्पी डियर बेंगल फॉरिकन ऑल दीज इंडर्ड एनिमल्स एंड बर्ड देर फाउंड इन दी तराइलैंड राइट इन तराई ग्रासलैंड का बहुत ज्यादा फायदा होता है अगेंस्ट फ्लड ऑल्सो बिकॉज मॉन्सून सीजन में जब हिमालय रिवर्स में वाटर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उस टाइम पर इन फुटहिल्स रीजन में जो फ्लडिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकती है तो ये जो तराई ग्रासलैंड बफर और एक्सेस वॉटर को एब्सॉर्ड करने का उसको ट्रैप करने का और ग्राउंड वाटर रिचार्ज में मदद करने का काम करते हैं ताकि डाउन स्ट्रीम रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं है, उनको फ्लडिंग्स का जो इशू है वो ना झेलना पड़े और एग्रीकल्चर और उनकी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर तराई ग्रासलैंड अच्छे रहेंगे इकोसिस्टम अच्छा रहेगा नॉर्थ में तो साउथ में यानी कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के अंदर जो भी फ्लडिंग आती है मानसून सीजन में वो काफी हद तक कम हो जाएगी राइट तो पिग्मी हॉक कंजर्वेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया गया था पिग्मी हॉक की पॉपुलेशन को बढ़ाने के है. इसमें उनकी कंजर्वेशन ब्रीडिंग की जाती है कैप्टिव ब्रीडिंग की जाती है उनको ह्यूमन केयर uh, के अंदर उनकी पॉपुलेशन को ऑफस्प्रिंग्स को uh, बड़ा किया जाता है और उसके बाद उनको वाइल्ड uh, लाइफ में वाइल्ड में रिलीज कर दिया जाता है एंड जो भी रिलीज किया जाएगा इट हैपन इन दी मानस नेशनल पार्क क्योंकि यहीं पर आपको वाइल्ड हॉक्स की पिग्मी हॉक्स की एक पॉपुलेशन uh, देखने को मिलती है और उम्मीद की जाती है कि जो भी कैप्टिव ब्रीडेड ब्रेड एनिमल्स हैं वो वाइल्ड में जाकर के जो वहां की नॉर्मल कम्युनिटी है नेटिव कम्युनिटी है उसके साथ आराम uh, से रह सकते हैं Tike इन एडिशन टू दिस हम तराई ग्रासलैंड्स की डिग्रेडेशन को भी रोकने का काम कर रहे हैं क्योंकि अगर डिग्रेडेशन नहीं रुकती है इनडिसक्रिमिनेट ग्रास बर्निंग नहीं रुकती है ड्राई सीजन में लाइफ स्टॉक की ओवर ग्रेजिंग नहीं रुकती है एग्रीकल्चर के लिए जो काटा जा रहा है पूरे को वो नहीं रुकता है तो फ्यूचर में भी ये जो पिग्मी हॉग की पॉपुलेशन है उसको सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा राइट सो दिस इज द डिस्कशन अबाउट पिग्मी हॉग अब हम थोड़ी सी बात मानस बायोस्फेर रिजर्व की भी कर लेते हैं विच इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम 89 में मानस को बायो

this half of the park.

इसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको इंडिकेटर स्पीशीज की डेफिनेशन भी दे दी है अन ऑर्गेनिज्म दैट सर्व्स एज अ मेजर ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एक्जिस्टिंग इन अ गिवन काइंड ऑफ एरिया जैसे कि एग्जांपल है ग्रीस वुड ंडिकेट सलाइन सॉइल मॉसिस इंडिकेट एसिड सॉयल ट्यूबीफ्लेक्स वॉम्स इंडिकेट ऑक्सीजन पुअर एंड सैगनेट वाटर अनफिट टू ड्रिंक तो इस तरीके के एनिमल्स की प्रेजेंस दिखाती है कि इको सिस्टम की क्वालिटी किस तरीके की राइट एंड फाइनली आई ऑल्सो मैं अबाउट दी बायोस्फेयर रिजर्व विच आर इंक्लूडेड इन आर कंट्री इंडिया में टोटल जो बायोस्फेर रिजर्व है इसमें से कुछ बायोस्फेयर रिजर्व को यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायसफेर रिजर्व्स पर जगह भी दी गई है तो ये सारे बायसफे रिजर्व्स आपको पता होनी चाहिए इनकी लोकेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि इंडिया के कौन से स्टेट में और किस तरीके के रीजन में आपका बायोस्फेर रिजर्व लोकेटेड है क्या वो डेजर्ट एरिया है क्या वो हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन रीजन है या वो तराई ग्रासलैंड का रीजन है जैसा कि आसाम में देखने को मिलेगा या फिर सेंट्रल एशिया के सेंट्रल इंडिया के फॉरेस्ट हैं साउथ इंडिया के माउंटेनस फॉरेस्ट हैं तो इस तरीके से आपको हर बायोस्र रिजर्व का कैसा इकोसिस्टम है कौन से स्टेट में वो लोकेटेड है ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए प्री में आपके सवाल जो पूछे जाएंगे उसमें से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बायोस्फीयर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं राइट नेक्स्ट एप दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि यूपीएससी प्रिंस टू थाउजेंड एंड जो कि हमारी टेंथ ऑफ अक्टूबर को स्केड्यूल्ड है उसके लिए अब हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं एंड फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग डेज बिफोर द अपकमिंग यूपीएससी ट्वेंटी एग्जाम आपको सिविल स्टेप का क्रैश कोर्स मिल रहा है फिफ्टी डिस्काउंट के ऊपर अगर आप कोड uh, यूज करते हैं यूपीएससी फिफ्टी एंड यू गेट ऑल जी जी वीडियो लेक्चर्स डाउनलोडेबल लेक्चर हैंड्स प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज करंट अफेयर एड लेक्चर्स, पर्सनल मेंटरशिप के साथ सिर्फ और सिर्फ 50% परसेंट डिस्काउंट ओवर दी टेन था जुड़ी और जानकारी भी मिल सकती है और प्रम्स के क्राश कोर्स से जुड़ी हुई और जानकारी भी आप पा सकते हैं ब्लैक

बिकॉज इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली हंटेड फॉर मीट एंड कार्टिलेज ट्रेडेड इन रीजनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर टर्टल ब्लैक चॉकलेट टर्टल इसको ट्रेडिशनली हंट किया जाता रहा है एज अ फूड आइटम एंड फॉर ट्रेड एज वेल दैट इज़ वाई इसको लीगल प्रोटेक्शन जो है अभी तक इंडिया में नहीं मिला है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ये टर्टल बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड है डिक्लेयर कर दिया गया था इसको एज एक्सटिंक्ट आफ्टर दैट इसको इंडिया के असम स्टेट में कुछ टेम्पल्स के अंदर जो पॉन्ड होते हैं टेम्पल्स के पास पॉन्ड होते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो उन पॉन्ड्स के अंदर इन टर्टल्स की पॉपुलेशन को देखा गया और वो इसलिए पॉसिबल हो पाया था बिकॉज ऑब्वियसली टेम्पल पॉन्ड्स के अंदर हंटिंग और पोचिंग करना इजी नहीं है और वहां पर जो डिवोटीज आते हैं जो श्रद्धालु आते हैं वो बहुत सारा फूड आइटम्स इन टर्टल्स को देकर जाते थे पॉन्ड के अंदर जिसकी वजह से इन सेवाइव कर पाए राइट सो दिस ब्लैक सॉफ्टवेयर टर्टल इसकी कंजर्वेशन के मेथड्स के ऊपर और प्रोटेक्शन के लिए और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है एंड बायोलॉजिस्ट आर कंटिन्यूइंग टू वर्क हार्ड टू प्रिजर्व दिस इंडर्ड स्पीशीज एंड देयर नेचुरल हैबिटेट इसी के साथ अगर हम इंडिया में फ्रेश वाटर टर्टल्स की बात करें तो दीज टर्टल्स दे लिव बोथ इन रिवर्स एंड ऑन लैंड एंड दे मीट ऑन रिवर बैंक एंड दीज आर दी टॉप प्रेडिटर्स इन दी फ्रेश वॉटर इको बहुत सारे जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स हैं अगर वहां पर हम टॉप प्रेडिटर देखें तो हमारे ये टर्टल्स ही टॉप प्रेडिटर आते हैं क्योंकि ऑलरेडी एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स एंड जो डॉल्फिन हैं इंडियन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के अंदर उनके नंबर्स बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर चुके हैं ठीक है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्रेश वाटर टर्टल्स की एक अच्छी पॉपुलेशन रहनी चाहिए इंडियन रिवर्स और पॉन्ड्स के अंदर और लेक्स के अंदर ताकि इकोलॉजिकल पिरामिड इंडिया के फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का बना रहे और ये टर्टल्स ऑमनीवोर्स हैं इनकी डाइट में फॉर्म्स स्नेल इंसेक्ट इन्सेक्टेशन वाटर प्लांट्स हर तरीके के एनिमल्स uh, और प्लांट्स इंक्लूडेड हैं और इसीलिए रिवर्स को क्लीन अप करने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं इंडिया हैज़ अ टोटल ऑफ ट्वेंटी नाइन स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर टर्टल्स एंड टोर्टोजे तो टर्टल्स और टोर्टोइजेस को मिलाकर के टोटल ट्वेंटी नाइन स्पीशीज हमें इंडिया में देखने को मिलती हैं जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को बिलोंग करती हैं मेनी ऑफ दीज स्पीशीज दे आर प्रोटेक्टेड इन दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इलेवन स्पीशीज को हमने स्केड्यूल वन के अंदर डाला हुआ है राइट right? तो सिर्फ 29 में से 11 स्पीशीज को हमने हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दिया हुआ इंडिया के अंदर एंड इट इज नीडेड कि हम इन स्पीशीज में से ज्यादा से ज्यादा स्पीशीज को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के स्केड्यूल वन के अंदर ला करके उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें इसी के साथ दीज टर्टल्स दे आर नोन फॉर इकोसिस्टम सर्विस लाइक कीपिंग रिवर्स पॉन्ड्स एंड फ्रेश वाटर सोर्सेज क्लीन बाय ईटिंग एलगल ब्लूम्स एंड स्केंग ऑन द डेड मैटर ठीक है नेक्स्ट अप अगर हम देखें इंडिया में फ्रेश वाटर टर्टल्स को थ्रेट्स क्या हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्रेट है इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग टू पीपल परचेसिंग द स्पीसीज टू कीप एस पेट्स इलीगली क्योंकि इन टर्टल्स को पेट्स की तरह भी रखने का बहुत लोगों को शौक़ होता है लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पेट्स को पेट्स की तरह रखने के लिए टर्टल्स को इलीगल है इंडिया में स्पेशली द इंडेंजर्ड स्पीशीज इन इंडिया ऑफ टर्टल्स उनको एक्सपोर्ट करना एज अ पेट उनको इंडिया में या इंडिया के बाहर रखना इट इज़ इलीगल क्योंकि ये जो टर्टल्स uh, हैं बहुत ज़्यादा कैप्टिविटी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है अमंग कंज्यूमर्स एज वेल एज ऑफिशियल्स उसकी वजह से इन टर्टल्स uh, की काफ़ी ज़्यादा हंटिंग होती है हंटिंग का मतलब इनको इलीगली कैप्चर करके पेट्स की तरह सेल किया जाता है इसके बाद ये ओल्ड ट्रडिशनल प्रैक्टिस है इन टर्टल्स को कंज्यूम करने की और इनके अलग अलग बॉडी पार्ट से डिजीजेस को क्योर करने की तो ये जो स्पेशली uh, हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ uh, uh, में ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री

वर्ल्ड टोटल डे इज सेलिब्रेटी थर्ड मे टू स्प्रेड अवेयरनेस फॉर देयर कंजर्वेशन तो ये इंडिया के फ्रेश वॉटर ट्रेडर्स को लेकर कंजर्वेशन के इनिशियेटिव जो किए गए हैं वो चीज भी यहां पर मैंने आपके लिए टाइम फॉर योर होमवर्क क्वेश्चन जहां पर आपको क्या बताना है की विच अमंगस ऑफ इंडिया हैव बिन डिक्लेयर

लगातार जो है करते रहेंगे फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स अपने जिज्ञासा सेशंस के अंदर तब तक के लिए कीप ऑन लर्निंग कीप ऑन ग्रोइंग जय हिंद एंड जय भारत